अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अस्मातरज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल थिंग्स। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए अर्न किस तरह कर सकते हैं और उसके अलावा इसके मतलब अकाउंट्स वगैरह और किस किस वेबसाइट के ज़रिए हम अर्न कर सकते हैं, अकाउंट और उसके आईडीज हम किस किस वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी बेहतर होंगी, इस तरह टिप्स वगैरह दूंगा आपको। अगर अगर आपने वीडियो मेरी पिछली देखी है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको पता ही होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उस वीडियो को देख के पता चल गया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। मैं छोटा सा फिर से ब्रीफ सा दे देता हूँ कॉन्सेप्ट इसका। एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद है जी कि हम लोगों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल दराज कंपनी है, उसका प्रोडक्ट हम किसी हम मतलब उसका डीलर बन रहे हैं, उसका प्रोडक्ट हमने सेल करवाया तो वो दराज वाले जितनी उसकी प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल 2000 का प्रोडक्ट है उसका 10 से 15% हमें दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 का है तो उसमें से 1,000 तक हमें मिल सकता है। इस तरह अगर जितने ज़्यादा हम चीज़ें ऐसे लोग लेंगे तो उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है और इतने ज़्यादा क्या कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए हम अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, या तो एक फेमस फ़ैन पे जो फेसबुक पे, या फिर आप वैसी ग्रुप्स में लगा सकते हैं, उसके अलावा ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स हों, या फिर वो हैशटैग वगैरह डाल के आप लगा सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे अगर आपका ज़रा फेमस चैनल है तो उस पे भी आप वीडियोस बना सकते हैं उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में उसका रिव्यू दे सकते हैं उसमें, और नीचे लिख सकते हैं उसके बारे में और कह सकते हैं कि इसको ज़रूर खरीदिएगा। ये चीज़ का एफिलिएट मार्केटिंग का ये हिसाब है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस किस वेबसाइट के ज़रिए इसको कर सकते हैं, मतलब अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में ही हैं ना, तो सबसे अच्छी वेबसाइट दराज रहेगी, दराज या केमू वगैरह, सॉरी ये ओपन हो गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, दराज या केमू वगैरह ही रहेगी, क्योंकि ये लोकल सब कॉन्टिनेंटल कंपनी है ज़्यादा, तो मेनली इनका काम इधर ही चलता है, तो इस वजह से वो पेमेंट्स वगैरह भी आसान हमारे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में हो जाएंगी। जबकि दूसरी जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह जो है, ईबे अमेज़ॉन वगैरह, उनकी पेमेंट्स में ज़रा डिफ़िकल्टी आएगी, हालांकि उससे हमें पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं कमीशन से, मतलब अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे ना हमारी ट्रांजेक्शन काफ़ी मुश्किल होंगी, मतलब पैसे कन्वर्ट अपने बैंक अकाउंट में करवाना मुश्किल होगा, जबकि दराज वगैरह से बहुत आसान होगा। तो अकाउंट वगैरह दराज का आप लोगों को पता ही होगा किस तरह बनाते हैं, मैं वैसे ही आप लोगों को वो खोल के दिखा देता हूँ, अकाउंट आपको आइडिया हल्का सा दे देता हूँ कि अकाउंट वगैरह किस तरह बनाना है, और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के एफिलिएट प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ मैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस चैनल सोशल थिंग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर जिक्र कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं और कोई वीडियोस बनाऊं तो वो भी ज़रूर जिक्र कीजिएगा उसके बारे में। तो अब हमने सबसे पहले तो अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जब ब्राउज़र ओपन करेंगे सबसे पहले मैं आपको दराज का दिखाता हूँ, दराज फिर एंटर कर देंगे, ये देख सकते हैं जैसा कि आप, ये तो दराज की वेबसाइट आ गई ना, तो ये देखें दराज एफिलिएट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। एक और बात, दराज से आप कर लें बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है ना, जिससे हम सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो है अलीबाबा, जो कि चाइनीज़ किसी बंदे की कंपनी है। मैं ये भी बताता हूँ सबसे वो बेहतर क्यों है, पहले इसका मैं बता दूँ, तो बिकम एन एफिलिएट अप टू 11% कमीशन, मतलब 11% हमें मिलेगा,
अट्रैक्टिव बैनर्स फॉर योर विजिटर्स, मतलब ये बैनर्स हमें खुद देंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। इंडिविजुअल सपोर्ट, मतलब हमें सपोर्ट जब मर्जी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ RS रुपीज़ करेंसी है इसकी, साफ साफ कोई ये मसला नहीं कि डॉलर से कन्वर्ट करवाना है, ये कुछ नहीं है। इधर कहीं लिखा होगा कि सीधा ये देखें पेमेंट वाला लोकल बैंक ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। इधर से आप देखते हैं ये हाउ इट वर्क्स, ज्वाइन एफिलिएट, फाइंड प्रोडक्ट, प्रमोट प्रोडक्ट, ट्रैक सेल्स एंड कमीशन, वही जो मैंने आपको बातें बताई थी वही है सारा कुछ। तो इधर से हमने फिर एडवर्टाइज़ किस तरह कर सकते हैं, बैनर्स हो सकते हैं अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, लिंक्स हो सकती हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो बनाई है रिव्यू के बारे में, नीचे लिंक लिख दें कि अगर आपने ये चीज़ बाय करनी है तो इस लिंक को क्लिक करें। उसके अलावा प्रोडक्ट फीड, तो ये ब्लॉग्स वगैरह हैं, मतलब आर्टिकल्स लिखते हैं उस पर, ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लिखने का शौक है तो ये कर लें बेशक। तो अब हम इधर से साइन अप फॉर फ्री को क्लिक करेंगे। तो अब ये हो रहा है, इसमें अस ये देखें, अब वो साइन अप वाली जगह आ गई है जहाँ पे हमें अपनी चीज़ें एंटर करनी है सारी। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। तो उतने देर में न्यू टैब में और एक, हाँ जी मैं बता रहा था कि सबसे बेहतरीन दराज से भी एक अच्छा है जो कि हमारे पाकिस्तान में भी रहता है, अलीबाबा, जो कि एक चाइनीज़ बंदे की कंपनी है। वो इसलिए बेहतर रहती है क्योंकि वो ऐसे नहीं दराज वगैरह जैसी नहीं है या किसी और अमेज़ॉन वगैरह जैसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि वो वेबसाइट है जो होल सेल रेट पे प्रोडक्ट्स बेचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैस प्रोडक्ट्स बेचती है ज़्यादा, फिर मतलब एक साथ 500 घड़ियाँ होल सेल प्राइस पे, मतलब कोई दुकान वगैरह के लिए। तो अगर आप सोचें 500 घड़ियाँ वो आपने बिकवाती हैं, मतलब आप उसके डीलर थे, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है अलीबाबा से। तो अब ये दराज वाला हो गया, तो इधर सबसे पहले टाइटल कंपनी या मिस्टर मिसेज जो भी है सिलेक्ट कर लेना, फर्स्ट नेम इधर टाइप करना है, फिर लास्ट नेम, स्ट्रीट नेम वगैरह, पोस्टल कोड नहीं पता तो इधर से आप आराम से सर्च कर सकते हैं जिस भी एरिया का, फॉर एग्जांपल लाहौर पोस्टल कोड, इस तरह एंटर करके आप ढूंढ सकते हैं। ये देखें लाहौर का आगे इस तरह पोस्टल कोड एंटर कर देंगे, सिटी, फिर कंट्री एंटर कर देंगे अपना यहाँ से, उसके बाद करेंसी अपनी एंटर करेंगे, ईमेल, फ़ोन ओरिजिनल सारा कुछ, लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश ही होगी। तो इधर से अपना पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, और अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके बारे में इधर इंफॉर्मेशन दे देंगे, ये भी वही कंट्री कौन सा, उसके बाद इधर एप्लीकेशन के बारे में, ये मस्ट है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप लिख सकते हैं कि जी मेरे पास कोई फेमस पेज है और मैं रिव्यूज़ लिखता हूँ, तो मैंने सोचा कि साथ इसके एफिलिएट अर्निंग भी शुरू कर दूँ, इसका फ़ायदा बड़ा होता है। इस तरह आप थोड़ा एक दो तीन लाइनों का पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसके बाद साइन अप कर ले, सिंपल अकाउंट बन जाएगा। तो अकाउंट बनने का वो लोग आपको एक लिंक देंगे, लिंक छोटी सी होगी, तो वो जहाँ आप पेस्ट करना चाहें जिस प्रोडक्ट की आप चाहेंगे उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप जहाँ चाहें उसको लगाएं, यूट्यूब पे या जहाँ भी आप चाहें लगा सकते हैं उसे। इस तरह मैं आपको अलीबाबा का भी दिखा देता हूँ। अलीबाबा एफिलिएट, ये देखें ये अलीबाबा की वो आ गई है वेबसाइट, इधर ये देखें अलीबाबा एफिलिएट मार्केटिंग, इसको क्रॉस कर देंगे, दराज का समझ आ गया, सिंपल सा है वेबसाइट। अगर नहीं है कुछ नहीं होता, आप ना एंटर करें वो कुछ नहीं उसका फ़र्क पड़ता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी अलीबाबा की वेबसाइट ओपन हो गई है। तो एफिलिएट्स ये देखें, मेक मनी फ्रॉम मनी, अलीबाबा मेक बिगेस्ट CPA प्लेटफॉर्म, देखें ज्वाइन आवर फर्स्ट एफिलिएट कमीशन अप टू US $7 पर लीड, मतलब
ऑर्डर, एक ऑर्डर पे ना वो आपको $7 यानी ₹750 एक्स्ट्रा देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड नंबर नंबर वन, ऑल वेबसाइट नंबर वन, 59 नंबर पे वेबसाइट है ग्लोबल, ई कॉमर्स नंबर थ्री, इस तरह ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है सॉरी। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, साइन अप करने, एडवर्टाइजमेंट्स, जनरेट लीड, वही वाले हिसाब है। तो इधर से हम साइन इन कर देंगे। ये देखिए ये सारा टिक हुआ, अभी इधर ये अभी आएगा, अभी लोड हो रहा है। तो इसके अलावा अलीबाबा के अलावा ये तो हो गए मतलब सब कॉन्टिनेंट लोकल। तो मैं अब आपको दूसरा, इसके अलावा ना, हाँ जी ये तो है ना खाली प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जैसे कोई मोबाइल वगैरह, सारी वेबसाइट इस तरह की, अमेजोन वगैरह भी, जिनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन एफिलिएट अर्निंग एक और तरह की भी होती है, जिसमें हम दूसरों की वेबसाइट्स को करते हैं मतलब पब्लिश, उनकी पब्लिसिटी करते हैं, तो वो आगे से एफिलिएट अर्निंग की तौर पे आपको देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, 000 वेब होस्ट, जैसे कि आपको याद ही होगा अगर आपने वीडियो देखी है मेरी, जिसमें मैंने बताया कि वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, तो उसमें हम ये वेबसाइट खोलते हैं। अगर आपने नहीं देखी फिर भी देख लें, क्योंकि वेबसाइट से भी काफ़ी अर्निंग हो सकती है बना के, और मैंने अपनी वीडियोज़ में सारा तरीका बनाया कि वेबसाइट से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। ये देखें 00 वेब होस्ट में भी हम एफिलिएट्स होते हैं। ये देखें एफिलिएट्स, इधर जाएंगे ये अलीबाबा में, इधर हमने सिंपली ये देखें साइन इन तो नहीं हमने करना, तो इधर से हम बैक चले जाएंगे, रजिस्टर पे जाएंगे हम, तो इधर से ईमेल एड्रेस अपना लिख लेंगे कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, चलिए मैंने अभी ईमेल बनाया था, अल्लाह करे मुझे याद हो। लॉगिन साइन अप भी ऐसे ही है, सिंपल है इसका। तो मैं आपको वैसे साइन अप तो कर ही लेंगे, मैं आपको वैसे ही एक दफ़ा इसमें लॉगिन होके बता देता हूँ कि क्या हिसाब है, हिसाब किताब है इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं छोटा सा, क्योंकि तो ये देखें ये जी वेब होस्ट डॉट कॉम के एफिलिएट ओपन हो गया। इधर हम इस वेबसाइट को पब्लिसिटी करने में हमें एफिलिएट अर्निंग के तौर पे पैसे मिलते हैं, ईमेल के तौर पे किसी को रेफ़र कर सकते हैं कि जी इस वेबसाइट पे बैनर अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं, फॉरम फाइंड कर सकते हैं, प्रमोशनल टेक्स्ट ब्लॉग्स वगैरह वही क्रिएट, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस में कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये क्लिक्स होते हैं जी, कि आपकी लिंक वगैरह कितने टाइम्स क्लिक हुई थी, तो रेफरल्स मतलब जितने लोगों ने आपके लिंक को क्लिक करने के बाद इसका अकाउंट बनाया, एक्टिव रेफरल जो अभी भी यूज़ करते हैं, अर्नड कोई नहीं जो अर्न किए हैं, पेड वगैरह, ये गोल्स हैं कि कितने से कितने मिलते हैं जी, 20 रेफरल से $10, 40 से $40, इसको कर देते हैं 60 से $90, 100 से $200, $200 मतलब 20,000 रुपये तकरीबन। तो अगर सोचें आपका ज़रा बड़ा फैन पेज ही समझ लिया फेसबुक पे, या ग्रुप है, कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपने, उसमें जी 2 लाख बंदे हैं, ग्रुप्स में इतने होते ही हैं अक्सर, मुझे देखे ही होंगे, आपको पता ही होगा फेसबुक अगर यूज़ करते हैं। तो उसमें अगर आपने ये शेयर किया जी, अगर आप सोचें 1,000 बंदों ने भी इनमें से क्लिक कर लिया, ठीक है 1,000 बंदों ने, 900 बंदों ने एवी मतलब उसको कर दिया है, 1,000 में से जिन्होंने क्लिक किया 900 में ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन 100 ने अकाउंट बना लिए जी इसके, पढ़ पढ़ के सारा कुछ आपकी चीज़ें अकाउंट बना लिया, तो आपको $100-200 मिलेंगे। इसका आप खुद देख लें कितना फ़ायदा होता है, तो इसका भी आप अकाउंट ज़रूर बनाइएगा अगर आप फ्री रनिंग करना चाहते हैं। इसकी उम्मीद समझ आ गई, इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये देखें ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस और रेडिट पे हम शेयर कर सकते हैं, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये अली बाबा की तरफ वापस आ गए हैं हम, तो इधर हमने आई एम ए पब्लिश नेटवर्क अदर जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना, अदर ही है, ई मेल एड्रेस अपना, एफिलिएट नेम,
इधर अपना एरिया कोड, वही जिप कोड, टेलीफोन नंबर, फ़ोन नंबर, फेसबुक अकाउंट, स्काइप अकाउंट की इधर यूआरएल लिख लेनी है। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड ये वाला एंटर कर देना है। इधर एग्री करके क्रिएट माई अकाउंट कर देना है। और फिर इसका भी वही हिसाब होगा जैसे अभी मैंने दराज वगैरह का बताया है, तो इसका भी समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं अमेज़ॉन का भी दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन इस तरफ एक ईबे का भी खोल लेते हैं। बस इतनी आज काफ़ी होंगी, क्योंकि अगर आपने इतने इतनी वेबसाइट्स छोड़े, एक आध वेबसाइट पे भी आपने कर ली ना एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से, तो आपकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद बिजनेस शुरू, इसको एक तरह के बिजनेस भी कहलाता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, हो तो मतलब ज़मीनों का करते हैं, प्रॉपर्टी का डील करते हैं। इस तरह आप इनको डील करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये देखें अप टू 10% है ये, तो इधर से ज्वाइन नाउ फॉर फ्री कर देंगे। ईबे भी है, ईबे भी इधर अप्लाई नाउ को क्लिक कर देंगे। इधर सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप पढ़ लें जल्दी जल्दी से, एकदम फ़ायदेमंद काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन, आप मुझे पता है अक्सर लोग होते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें आपकी सोच है जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें हर वेबसाइट का या एक आध वेबसाइट का, तो अभी आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये इस तरह हिसाब है ये सारा, अगर आप पढ़ लें तो बहुत बेहतर होगा। तो इधर से हमने साइन अप कर देना ईबे पार्टनर नेटवर्क में, इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये देखें क्रिएट अमेज़न अकाउंट, इधर भी साइन अप नाउ अपलोड हो रहा है। जैसे इधर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड री एंटर करके क्रिएट कर देने से सिंपल है। तो आगे वही तरीका जैसे पहले मैंने बताया। और इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या हिसाब है। इसमें रजिस्टर को क्लिक करेंगे, ये जैसा कि देख सकते हैं आपने पर्सनल बिजनेस ईमेल रीएंटर पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल फोन, बस इतना सा करके रजिस्टर कर देना और आपका ये हो जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा, एक दो हफ्ता बन गया वो। जैसे कि आपको पता है लिंक्स आराम से मिल जाती हैं, आप कोई वीडियोस बनाएं शेयर करें और अपना अर्निंग का सिलसिला जारी रखें। तो मेरी दुआएं आपके साथ, अल्लाह करे कि जो भी है आप अच्छी अर्निंग करें एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि हम कौन सी वेबसाइट बेहतर हैं, कौन सी नहीं सही। और इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट हैं, अगर आपको और कोई आप वैरायटी चाहते हैं तो आप वैसी सर्च कर लें, टॉप 10 एफिलिएट मार्केटिंग, बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स, ब्लॉग्स बड़े लिखे होते हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरे चैनल सोशल थिंक, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।